हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिस वीडियो में लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयन का लखनऊ के कप्तान लोकेश राहुल पर भड़कते नजर आए। इस वीडियो के बाद लोग लोकेश राहुल से ज्यादा लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक पे गुस्सा थे। अब उनका गुस्सा फैंस के साथ साथ कई एक्सपर्ट का भी हो गया है। कई एक्सपर्ट ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयन का वो फटकार लगाए गए, क्योंकि इसे पहली बार था जब भरे मैदान के बीच किसी टीम मैनेजमेंट ने अपने ही खिलाड़ी को सबके सामने इस तरीके से बेइज्जत किया है। इस फजीहत के बाद लोग गुस्से में हैं और कई एक्सपर्ट ने जमकर दहाड़ लगाई है और आइंदा ऐसी हरकत करने पर भी हिदायत निकाली है। तो क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। सुपर जायंट्स को सनराइज हैदराबाद के खिलाफ बुधवार को खेले गए आईपीएल मैच में 62 गेंद रहते हुए 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स की इतनी बुरी हार से निराश टीम के मालिक संजीव गोयन का मैच के बाद बीच मैदान पर ही केएल राहुल पर भड़क गए थे। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए जब सभी लोग मैदान पर मौजूद थे, उसी वक्त संजीव गोयन का गुस्से में केएल राहुल को बहुत कुछ सुना रहे थे। आपको बता दें कि मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने कप्तान केएल राहुल के साथ एनिमेटेड चैट करते हुए देखा गया, जिसका नेटिजन्स तो नाराज हो गए थे। अब एक्सपर्ट ने भी घटनास्थल पर अपनी राय को साझा करते हुए कहा है कि ऐसी बातचीत को बंद दरवाजे के बीच करना चाहिए था। जियो सिनेमा के एक्सपर्ट ने कहा, आपको हमेशा लगता है कि बातचीत बंद दरवाजे के पीछे होनी चाहिए। स्टेडियम के चारों ओर बहुत सारे कैमरे होते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि केएल राहुल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य चीजों में जाएंगे तो संभावित रूप से बताएंगे कि यहां क्या चर्चा हुई थी। आपको बता दें कि 32 वर्षीय केएल राहुल बीते कुछ दिनों से कठिनाई में रहे हैं। हाल ही में उन्हें 2024 के T20 वर्ल्ड कप और वेस्टइंडीज की यात्रा से भी बाहर कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में केएल राहुल T20 के लिए बहुत धीमे स्ट्राइक रेट के लिए भी आलोचना झेल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लखनऊ के कप्तान 87 के स्ट्राइक रेट से 33 गेंदों में महज 29 रन बना पाए थे, जिसकी वजह से टीम को हार का सामना करना पड़ा।